नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। खबर सीधी से है, जहां सिटी कोतवाली अंतर्गत कुकुडी झर निवासी सुजीत सिंह बघेल पिता अशोक सिंह उम्र 22 वर्ष के ही केदार सिंह के घर 30 अप्रैल को घायल अवस्था में मिला, जिसके उपचार के दौरान 7 मई को प्रयागराज में मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि बेटे को बुलाकर रॉड और डंडे से सिर पे मारा गया और फिर छत से फेंका गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है। परिजनों में खासा आक्रोश देखा गया। उनका कहना था कि आरोपी खुले में घूम रहा था, जब तक उसके नाम से मर्डर केस नहीं लगता और पुलिस उसको हिरासत में नहीं लेती तब तक मृतक को चौराहे से नहीं हटाया जाएगा। लगभग 3 घंटे बाद FIR हुआ, तब चक्का जाम समाप्त हुआ। देखिए सीधी से ब्रजेश पांडे की ये रिपोर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत कुकुड़ी घर ग्राम में एक संदिग्ध मारपीट का मामला हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए रीवा और इलाहाबाद ले जाया गया। उसकी मौत हो गई। आज परिजनों ने उसकी लाश को यहाँ पे रख के चक्का जाम किया। क्या मांगे थी उनकी और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये एक अत्यंत दर्दनाक घटना चार पाँच दिवस पूर्व कुकुड़ी घर में, जिसमें एक जो घायल है, घायल की जिस अवस्था में हुई थी उसके पश्चात तत्काल यहाँ पर जो है 100 डायल को परिजन के द्वारा सूचना भी दी गई थी और पुलिस के द्वारा तत्काल रूप से इसको जो है अपने सीधे अस्पताल में ले जाया गया और यहाँ से उनकी जो गंभीर अवस्था थी उस आधार पर रहा उसके पश्चात जो है उपचार हेतु जो है इलाहाबाद भेजा गया था और इसी उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक बात है कि पुलिस की जो जांच है, जो व्यवस्था, इसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य थे, उन सभी तथ्यों का इसमें जांच की गई है और जांच करने के पश्चात और जो है इलाहाबाद से जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और भी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस प्रकार के भी जो साक्ष्य होंगे उनको संकलित किया जाएगा और इसमें जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। धाराएं क्या क्या लगी हमें, कितने आरोपी हैं, कितने कौन कौन से IPC लगी है? 324 के तहत इसमें जो है FIR हुई, जिसमें दो प्रमुख आरोपी के ऊपर अभी वर्तमान में किया गया, बाकी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा। ओके मैम, थैंक यू।